चुनाव कैसे देखेंगे? हम इतिहास रचने जा रहे हैं। 400 के पार जाने का जो लक्ष्य है उसकी शुरुआत हो गई। हमने निर्विरोध सीट जीत लिया गुजरात में, सूरत में, और देश ने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लगातार तीसरी बार मौका देने जा रही है। सब जो उत्साह है, जिस तरीके की भीड़ उमड़ रही, जिस तरीके से देश ने पिछले 10 वर्षों में विकास देखा है, मोदी जी की बातों को वो गारंटी के तौर पर मानती है देश के लोग, तो मुझको लगता है कि देश ने संकल्प लिया है और वो संकल्प दोहराने जा रही है। अब की बार 400 के बार और फिर एक बार मोदी सरकार। अखिलेश जी बता रहे हैं तीसरे चरण तक ही 400 की हवा निकल गई है। देखिए, अखिलेश जी की हवा तो 14 में भी निकल गई, अखिलेश जी और उनके गठबंधन की हवा 17 में भी निकल गई, 19 में भी निकल गई, 22 में भी निकल गई। कोई ऐसा चुनाव हुआ हो जिसमें उन लोगों ने विपक्ष को कुछ भी मिला हो, इस देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश में लहरा रहा है। आपने देखा कि कैसे 2 सदस्यों वाली भारतीय जनता पार्टी आज इस देश के हर हिस्से में, हर कोने में, हर राज्य में विद्यमान है। देश के लोगों का भरोसा बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी की 10 वर्षों के जितने वायदे थे, चुनाव का जो एजेंडा था, जो वायदे थे, आपने देखा कि उसको सबको पूरा कर दिया। राम मंदिर बना दिया, भगवान राम अपने घर में विराजमान हो गए। 370 और 35A का कलंक जो इस देश के माथे पे लगा था उसको मिटा दिया। इस देश के 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 से 5 वर्षों से लगातार अनाज देना, इस देश में 4 करोड़ गरीबों के घर बनाना, इस देश में 31 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड देना, और तो और 70 बरस के इस देश के करोड़ों लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ अगली सरकार में इस घोषणा पत्र में शामिल है वो मिलेगा। फिर से 3 करोड़ घर और बनाने का वायदा किया है। 14 करोड़ से ज़्यादा इस देश में माताओं को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया है। तो ये गरीबों को जितनी योजनाएं, गरीब किसानों को किसान सम्मान निधि, आपने देखा कि आज तक किसान, मजदूर और गरीब इस देश में नारे का विषय हुआ करता था। पहली बार इस सरकार ने जब 25 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, आज गरीब खुश है, किसान खुश है, मजदूर खुश है, माताएं बहनें। एक शाहबानों के मामले में कांग्रेस ने की गवर्नमेंट ने एक मुस्लिम महिला को तलाक के मुद्दे पर उसका हक नहीं दिलाया, मोदी जी की सरकार ने इस देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के मुद्दे पर उनका हक दिला दिया। आज देश जानता है कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो करेंगे। और बहुत से काम अभी इस देश में, आपने देखा कि वन नेशन वन इलेक्शन का वायदा है, इस देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का वायदा है, एक देश एक संविधान, एक निशान एक ध्वज, तो पूरे देश को एकता के सूत्र में, अखंडता के सूत्र में पुरोने का हम कभी इस देश में, समूचा देश पाकिस्तान से परेशान थे, चाइना से परेशान थे, हम कोई भी युद्ध की सामग्री अपने यहाँ नहीं बनाते थे। आज आप अखबारों में पढ़ते हैं कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल जो लखनऊ में बनती है, उत्तर प्रदेश में 2 डिफेंस कॉरिडोर हैं, बुंदेलखंड और लखनऊ, जहाँ ब्रह्मोस मिसाइल हमने अभी फिलीपींस को आयात किया। हम तेजस जैसे फाइटर प्लेन बना रहे हैं, हम चाँद पर दक्षिणी हिस्से पर कदम रखने वाले दुनिया के इकलौते राष्ट्र हैं, हम मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए हम अपने यान छोड़ते हैं। तो मुझको लगता है कि देश एक तरफ अपने सनातन की भी रक्षा कर रहा है तो दूसरी तरफ विकास की भी नई कहानी लिख रहा है। जिस तरह से विपक्ष की बात आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 400 पार, अब की बात 400 पार, तो क्या विपक्ष की भी खाता खुलने वाले नहीं होने वाले, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष एक बेमेल गठबंधन है, स्वार्थ के लोगों का, सत्ता प्राप्ति के लोलुप लोगों का एक गठबंधन बना है। वो बार बार मोदी जी के खिलाफ एकजुट होने का प्रयास करते हैं। चुनाव का परिणाम आएगा, देखिएगा कि सारे लोग एक दूसरे को गालियां देते हुए अपनी राह चले जाएंगे। सबको अपना हश्र पता है, लेकिन वो उनकी लक्ष्य है, उनको सब बेचैन है सत्ता पाने के लिए, क्योंकि सत्ता के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकते। सत्ता पाने के बाद फिर ये भूल जाते हैं कि हमको देश का विकास करना या अपना करना, अपने परिवार का करना, ये परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पाते। लेकिन मोदी जी का 140 करोड़ भारतीयों का परिवार मोदी जी का परिवार है। मोदी जी की आँखों में इस देश के हर गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए जो सपना है, देश जानता है कि मोदी जी की बातें एकदम गारंटी है, पर मोदी जी जो कहेंगे वो फिर करके दिखाएंगे। केजरीवाल जी अभी
सीधे जमानत पे आए हैं और उन्होंने एक प्रेस वार्ता की है, मंच से बोला है कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। समय मिटा देगा ऐसे लोगों को, समय ने कांग्रेस को मिटा दिया, समय ने समाजवादी पार्टी को हाशिए पर डाल दिया। ये जाति धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाले लोग हैं और परिवारवाद के नाम पर अपना घर भरने वाले लोग हैं। इन्होंने देश को लूटा है, अपना घर भरा है अपने। मैंने आपसे अभी कहा मंच से कि इस क्या इस उत्तर प्रदेश में कोई और यादव इस लायक नहीं है। तीन चार उनके घर के उनके देवर लड़ रहे, भौजाई लड़ रही, खुद अखिलेश यादव भैया लड़ रहे, तो एक एक परिवार के आम आदमी पार्टी के कर्मों की सजा उनको मिली है।